खूंटी की महिलाएं आज आत्मनिर्भर बन रही हैं। सरकार की कोशिशों से महिलाएं पोल्ट्री फार्म खोलकर अच्छी कमाई कर रही हैं। रघुवर सरकार की कोशिश है कि हर महिला को इतना सक्षम बना दिया जाए कि उन्हें किसी और के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े। इसी के तहत सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है। खूंटी के तोरपा प्रखंड की 600 आदिवासी महिलाएं कोऑपरेटिव बनाकर सालाना 1.5 करोड़ की आमदनी कर रही हैं। सरकार और फेडरेशन के सहयोग से मुर्गी पालन के लिए मुर्गी शेड बनाकर एक एक महिला 200 से 400 मुर्गी पालन कर अपने और अपने बच्चों का भविष्य सवारने में जुटी हुई हैं। पहले तो सबसे पहले हम लोग अपना गांव में महिला मंडल शुरू किए, उसके बाद पहले सबसे पहले हम लोग आया उसके थ्रू से हुआ। उसके बाद धीरे धीरे उस टाइम तो 10-12 दीदी ही करती थी। उस टाइम हम लोग रंगीन वाला मुर्गी पालते थे। उसके बाद धीरे धीरे से हम लोग इसको ज़्यादा लोग बोला कि इसमें ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है हो रहा था। उस टाइम हम लोग इसमें ब्रॉयलर पालने शुरू कर दिए। उसके बाद हम लोग ब्रॉयलर पालते पालते हमको ज़्यादा प्रॉफिट निकलने शुरू हुआ। उसके बाद हम लोग घर परिवार में भी अच्छा चलने लगा और हम लोग का भी सुधार हुए। इसलिए बहुत अच्छा लगता है मुर्गी पालने में भी और हम लोग को दिक्कत भी नहीं लगता है। कोऑपरेटिव के जरिए मुर्गी पालन अब दूसरे जिलों के लिए भी रोल मॉडल बन गया है। मुर्गियों की देखरेख करते हुए दाना पानी देना अब इन कोऑपरेटिव से जुड़ी महिलाओं के लिए दिनचर्या जैसा हो गया है। सब चूजा दाना मिलता है और अच्छी तरह हम लोग अभी पालन कर रहे हैं। अभी एक महीना में 4-5 हज़ार कमा ले रहे हैं। इससे हम लोग का आमदनी भी थोड़ा मदद मिल रही है। सरकार की पहल का ही नतीजा है कि आज खूंटी की महिला अपने पैरों पर खड़ी है, अच्छी कमाई कर आत्मनिर्भर बन रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। और इस वक्त बड़ी खबर रांची से।